है वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम अपर सियांग यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कि वहाँ नबंगसार का गांव में हल्का सा ऐसा कुछ मीटिंग है, तो उसमें आपको जाके दिखाता है। तो कोलकाता से हमारा एक लेडीज भी आए हुए हैं, तो ये भी आप लोग को कुछ बात करना है। So as you all know, my name is Sushmita Ghosh. So good morning you all guys. So today we are going to Bosang village with sir. So be with us. Thank you. Okay. तो देखते हैं आगे तरफ कैसा करते हैं आज का। हम लोग यहाँ से यिंगचोंग अपर सियांग यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट से नबंगसार का घर से हम लोग निकल रहे हैं। नबंग सर जो वहाँ आप लोग अपना गांव में जो पब्लिक से थोड़ा डिस्कस कर लेगा, तो ये मेरा ये दोस्त है। तो आज का कैसा मौसम है? आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। तो बारिश हो रहा है ना? जी बारिश हो रही थी, अभी कम है बारिश। चलो चलिए देखते हैं आगे। वहाँ जा रहे हैं कि सर का घर में, तो वहाँ नबंग सर जा रहे हैं बोसंग की तरफ में। जा रहा है यहाँ, आ जाओ आप उस तरफ से, पीछे पीछे पीछे। हाँ ये मेरा दोस्त अंदर घुस गया, और ये नबंग सर और उसका मैडम हम लोग गोसंग की तरफ जा रहे हैं, और सिंपल सा ये लोग मीटिंग करेगा, और हम लोग भी गांव को देखने के लिए जा रहे हैं आगे की तरफ। चलिए हम अंदर घुस गए। चले मेरा ये दोस्त, चलिए हम लोग निकल गए ऐसे अपर सियांग यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ उसका नबंग सर का गाँव में वो लोग अब थोड़ा सा कुछ आपस में गोसांग बस्ती में थोड़ा डिस्कस करेगा, तो हम लोग उसका गांव को भी विजिट करने जा रहे हैं कैसा है। हम लोग गुरंग सर का खेती में आ गया, इसके बाद में हम लोग यिंगचोंग से डायरेक्ट आ गया कि यहाँ गुरंग सर का वो फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त है, चलो ये उसको हम निकल दिया। तो गेट बंद वो मैडम है, तो हम लोग उसका खेती में विजिट करने के लिए जा रहे हैं कैसा है, यानी कि धान बड़ा है ना चौथा है देखने जा रहा है, और शाम को थोड़ा हल्का सा आपको गांव को दिखाएगा। खेती का रास्ता कैसे लगा है सुष्मिता? सुंदर है। हाँ कैमरा को देख के बात करें यार। अरे बहुत सुंदर है खेती का रास्ता, अभी हाँ भी देखने जा रहे हैं हम लोग। खेती कहाँ पे है? खेती ये लेफ्ट में ना राइट में? राइट में, राइट में। चलो भाई राइट में जा रहे हैं। वाह देखिए वाह कैसे लगा है केटी, बहुत सुंदर है। अरुणाचल का केटी बहुत अच्छा है ना? देखिए संतरे बगान, देखिए बहुत अच्छा है। देखिए बहुत कौन से वो देखिए, ओहो चिकन भी है यहाँ पे है। तो ये मैडम भी जा रहे हैं आगे, चलिए देखते हैं। हमारा ये कोलकाता का दोस्त और हम दोनों यहाँ पे नबंग सर का धान का केटी को चेक करेगा कैसा है, यानी कि यहाँ का अपर सियांग का धान कैसा है आपको दिखाता है। तो देखिए ये धान पहुंच गया, अभी ये पकड़ने के लिए तैयार है। ये देखिए तो उसमें क्या तरह, सो दिस इज द राइस फील्ड ऑफ यिंगचोंग। बहुत ही सुंदर है। तो धान को देखिए, लोकल राइस है ये हम लोगों के इधर। हाँ और ये हम लोगों का संतरा का फील्ड। अच्छा ये पूरा बिल्कुल ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक ऑरेंजेस। तो अभी देखिए यहाँ अगल बगल का नज़ारा, यहाँ देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है ना सुष्मिता। वहाँ पे स्टे करने के लिए जगह भी है। कौन सी? वहाँ पे। अच्छा स्टे करने के लिए जगह भी है, दूर है उधर स्टे कर सकते हैं अभी। अच्छा अच्छा दूर है क्या? नहीं पास ही में है, चलिए दिखा दिए। बुरांगसर का यहाँ केटी का झोपड़े में पहुँच गया, तो कैसा लगा बुरांगसर का केटी का झोपड़े? बहुत सुंदर है, ये है फार्म हाउस खेती का, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। चलो और हाँ, क्या दिखाएगा आप यहाँ खेती में? यहाँ पे ऑरेंजेस, बहुत ऑर्गेनिक ऑरेंजेस हैं, देखिए बड़े बड़े ट्रीज भी हैं ऑरेंजेस के। अच्छा चलो भाई देखते हैं। तो ऑरेंज कहाँ पे गुटिया गुटिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑरेंजेस थोड़े थोड़े निकल रहे हैं अभी, जैसा आप देख सकते हैं ये देखिए। ओहो देखिए थोड़ा थोड़ा गुटी लग रहा है, थोड़े निकल रहे हैं ऑरेंजेस। क्या तोड़ सकते हैं क्या आप? तोड़ तो एक तोड़ के देखा यहाँ पे
कैसा लगा? अच्छा ये ऑरेंज है जी। ये कितना महीने का पक जाते हैं हम लोग का? ये विंटर सीजन में पकेंगे, अभी तो जस्ट निकल रहे हैं ये, अच्छा विंटर सीजन तक पक जाएंगे। चलो यहाँ पे हम लोग बुरांगसर का खेती में आ गया यिंगचोंग से सफर करके, तो मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहता है तो बोल बोल दी। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके। ये हम लोग की बिल्ली है, ये राइस फील्ड है, हम लोग अभी घूम के देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग। चलो दिखती है आगे। ये आपका झोपड़ी है यहाँ पे बुरांगसर का, और ये चावल का गोदाम यहाँ पे बुरांगसर का, ये नबंग बुरांग का। तो चले देखते हैं आगे फिर कैसा करता है गांव में। तो सो हम लोग बुरांगसर का खेती में विजिट करने के लिए आए हैं। ये पूरा प्रॉपर्टी बुरांगसर का ही है। उधर ऑरेंजेस के ट्रीज हैं, ऑर्गेनिक ऑरेंजेस, और ये ऑर्गेनिक राइस, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बुरांगसर का ही है। ये देखिए मेरा फ्रेंड, ये देखिए बोरांग सर, जैसा आप देख सकते हैं इनका फार्म हाउस। ये एक अंकल है, ये इनकी पेट, तो अभी हम लोग ये नबंग सर का खेती से निकल गया ये पित्तुंग विलेज की तरफ में। हम लोग कहाँ जाएगा अभी? अभी हम लोग पित्तुंग विलेज की तरफ जा रहे हैं, बोरांगसर का घर है उधर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये है नबंगसर का गाड़ी, अभी गाड़ी गुड़ी आने के चला गया वो। हम लोग सिर्फ यिंगचोंग से सफर करके यहाँ मोइंग विलेज में पहुँच गया। तो काफ़ी सालों से हम इसको पता है, अनि यहाँ में एक तो है मेरा अनि, मेरा यहाँ क्या बोलते हैं ये सुष्मिता मेरा दोस्त है, इसको थोड़ा गिले लगाइए थोड़ा मेरा कैमरा में थोड़ा इधर में ये। हाँ तो देखिए यहाँ, तो आप लोग आप दोनों आपस में बात करके खेल लीजिए थोड़ा हल्का सा। बहुत अच्छा है, आप कैसा है? हम भी ठीक है, आप बहुत सुंदर है। और आपका अभी आप सुंदरता भी तो और आपका अभी जो क्या बोलते थोड़ा लेके का तो हो रहा है उसको थोड़ा बताइए मैडम को। हम डिग्री पढ़ रहा था, अच्छा जॉब कर रहा था, उसके बाद तो चले। तो अन्नी चलते हैं, तो चले चलते हैं अन्नी के दुकान पे मोइंग विलेज में। हम लोग इंजन से प्रकट के यहाँ चिंगम ले, कितने का ये? 10 रुपीज़ का ना। चलो हमको वापस दे रहे 40 रुपीज़ दे ना, 40 रुपीज़ हम ले वापस ले ले। चलिए गाड़ी के अंदर में। तो अन्नी तत्ता बाय बाय, चलो अंदर चलो गाड़ी के अंदर में। घुस गया निकल गया वो आगे। चलिए हम लोग ज़्यादा शाम हो गया, मोइंग विलेज से हम लोग अभी निकल गया। चिंगम हमको भी एक तो दे देता हूँ ताकि देखिएगा सेंटर पुरुष देगा पुरुष प्रे, ये तो प्रेस है ना, हमको पुरुष चाहिए पुरुष। हाँ ये हम पुरुष कह रहे हैं। अब आप लोग चिंगम के दे दो स्कूल को भी, आप लोग को चिंगम खाएगा अंकल आंटी चुइंगम। वो आंटी को दे दिया। चलो कैमरा को फोन करेगा ना जी। हम लोग निकल गया मोइंग प्लेस से, सुष्मिता हम दोनों यहाँ पे आए हैं। अच्छा सुष्मिता हम लोग कौन से गांव में आए? हम लोग मोइंग विलेज में आए हैं अभी। अच्छा किसके साथ में है? अंकल के साथ में, नबंग सर का साथ में आए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक घर में, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेगा आराम से सुष्मिता आराम से गिरेगा मोइंग विलेज में, थोड़ा रेस्ट करेगा ना सुष्मिता एक दो मिनट के लिए। तो व्यू देख लीजिए कौन से, अच्छा गाँव को। तो देखिए यहाँ मोइंग विलेज का मेरा देखिए। तो हम लोग यहाँ में थोड़ा रेस्ट करेगा, ये साल्डू का घर पे बहुत सुंदर सा मकान है। तो साल्डू वहाँ पे थोड़ा चले गया हमें कुछ विजिट करने के लिए। तो ये मोइंग विलेज आपको देख रहा है कि वहाँ जो है आप देख रहे हैं कि वहाँ दुआ का नज़ारा आ रहा है, वो है अपर सियांग यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट से। तो अपर सियांग यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग 2 किलोमीटर का प्रगण है, सोचते तो दो किलोमीटर है ना जी, 2 किलोमीटर है यिंगचोंग से। तो चलो बाद में देखते हैं, चलो ऊपर जाते हैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो चलो भाई आगे जा रहे हैं।
सुष्मिता हम दोनों जा रहे हैं मोइंग ब्लेस में थोड़ा आराम करने के लिए। चलो भाई। तो सर हाथ मिलाइए, देखिए मोइंग सर से हम हाथ मिला दिया, तो ये आने हैं। तो यानी सुष्मिता कैसे लगा मोइंग, कैसे लगा? हाँ बहुत सुंदर है ना, लेकिन है बाहर तो आए अंदर देखिए ये मोइंग ब्लेस देखिए यहाँ मोइंग ब्लेस में हम लोग ज़्यादा ही शाम हो गया आया में आके। वो है आप देख रहे कि वो सियांग रिवर, तो हम लोग उसी लोकेशन से जाएगा जो आप देख रहे हैं कि वहाँ बादल की तरफ में। हम लोग गोसंग ब्लेस में आ गया। सुष्मिता ओपन द डोर। निकल गया हम लोग गोसंग ब्लेस में। यहाँ लोग सारे यहाँ पे हैं। सुष्मिता अंदर चलो, आगे चलो। अब अभी हम लोग सुष्मिता हम दोनों गोसंग ब्लेस में आ गया। ये देखिए ये गोसंग ब्लेस देखिए यहाँ नबंग सर के लिए सब तैयार हो गया। गामपुरा से हम हाथ मिलाएगा ये गामपुरा। आप लोग आज मीटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा चलो, ये मेरा दोस्त है, कोलकाता का है। हाँ ये तो देखिए यहाँ पे कोलकाता से कब आया? देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पार्टी बना रहे हैं, आपको दिखाने जा रहा है। ये गोसंग ब्लेस का पड़ती है यहाँ पे देखिए। तो गोसंग ब्लेस में आके कैसा लगा आपको कम्युनिटी हॉल में? अच्छा लग रहा है अभी। हाँ देख के चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी तरह साथ में तरह मतलब पार्टी में तरह एक्सप्लेन के लिए तरह लाइन लगाइए वहाँ पे तरह। सुष्मिता हमारे दोस्त वहाँ पे डांस कर रहे वो दोनों से कर अंतिम नाम कमा बदली दो मुलों को बदली नाम समय पाक को कर नलों को मुनी माए मुदिन को मुनी माए आलों को मुनी माए आया पने में आया तो मंगुर पने में मंगुर तो दलों लगा पर हिंग के लगा पर आपन जैसा उन लगा पर दरा पर जब पे कम मौक लगा पर मंगा में पलागे नलों मुझी तो का गोसा में भी मामले से को मंगुर बिये ngobrum de wonye kedinga ngobe anabun kedinga dunum le mebi ngon non bi mama sa gongom bi dem ko non sin dapa lagi ngo rumem tu din ruji tu din gume sain si dem nyam pure le kae ngo buji tu melo non lu muji ye ngo mun mel tu melo non lu ngo ye de le ngada pa ngo silo ami ka ka mon tu नोबे की माये नोबे मरे नमक अंबों दो नोकों दो सी दो अलग बे दुगाई बा अलग बे दुगाई बा अमीग बे दुगाई बा अतुम जो बुगा तानी बे दुगाई बा इधर कौन कौन तीस लगा सी लो अगर का कमास निमानम लगा पर अगर का आते ओपन लगा पर अभी तक हमारे उन्हें बनेगा हम अभी रे उनकी उनकी माये नमक अंबों दो देखो लगा पर देखो पर इधर कौन भूमि संकरा सी लो इधर नमक अंबों रसी मारूं तू de no no mengi la ka la o pidi ma
गोसंग ब्लेस का कोनुंग पर्ती को आपको हम देखाएगा। तो नबंग सर के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा विजिट करने आया था गोसंग ब्लेस में, तो देखते हैं कैसे कोनुंग पर्ती। आप देखिए ये कुछ चिकन बर्गर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं डांस कर रहा है, देखिए सुनीता। हम लोग जा रहे हैं कि वहाँ नोबंग सर को यहाँ इनवाइट किया है खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये है नोबंग सर जो है, ये देखिए सब। ओहो माय गॉड, देखिए यहाँ सिंगर मुर्गी भी था, ये गोसंग ब्लेस में देखिए। इसको पता हो ये आरान फेस्टिवल में इसका सेक्रीफाइस होता है, जो जो अच्छा परिवार से आता है ना, जो अच्छा परिवार से आता है ये सब मैथुन को सेक्रीफाइस होता है, इसलिए इसको सजा के रखता है। ये देखो सब सारा जो है ये आरंभ फेस्टिवल में सेक्रीफाइस। चलो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ चलो आ जाओ। ओहो यहाँ कारको ब्लेस में है खाना खाने के लिए, बहुत रुको हम बताएगा बढ़िया। ये हमारा दोस्त है कैना नांकर, मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों यही जगह में, लेकिन गौर अलग है, यही जगह में एक ही बर्तन से हाथ डाल के दोनों खाना खाता था। ये आज हम इधर में भोजन करने आया है, मैं अपना आपको बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ आप सब आते हैं। ये मेरा बचपन का दोस्त है, 1969 में जब हम स्कूल चला गया तब हम दोनों पार्ट हो गया, नहीं होता हम लोग जो क्लास ये दो साल तीन साल पाँच साल के अंदर में
हम दोनों देखो इस तरफ आ जाओ देखा दो हम दोनों एक ही बर्तन थाली में भी खाना ना निकलता है हम लोग सिर्फ बर्तन में दोनों घुसा के हाथ घुसा के खाता था इसलिए ये मेरा बचपन का दोस्त है आज बहुत ही मेरे लिए भी और उनके लिए भी आज बहुत ही शुभ दिन है शाम है आज के लिए हम लोग को भोजन में बुलाया है बहुत अच्छा लगा है तो ये मेरा बचपन का दोस्त है केना नंकार ये उनका घर है ये अच्छा परिवार से आता था उसका जो पिताजी और ग्रैंडफादर जो था वो जो था ब्रिटिश समय का हेडगाम बुढ़ा भी था इसलिए आज का दिन में भी इसका ये बस्ती में ये गांव में बहुत उनके लिए बहुत अच्छा पोजीशन में है इसलिए हम लोग सब आज इधर आके खाना खा रहे हैं हम लोग भोजन करेंगे तो धन्यवाद देखिए ये घर का डेकोरेशन कैसा लगाया है देखिए आप देख लीजिए हमारा यहाँ नीचे में है क्या बोलते हैं गौरी का जंगल का गौरी का और ये है इसको हम लोग सीबी बोलता है तो उसका है ये देखिए वो ये मेरा बेटा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए तैयार करेंगे इसको भी देखो देखिए खाना तैयार हो रहा है खाना यानी इसको हम लोग बोलते हैं कम पत्ते बोलते हैं तो कम पत्ते में मेरा हम लोग बन रहे हैं तो वहाँ निकल रहे हैं बिल्कुल ही लोकल है लोकल राइस गौर का मालिक आपका नाम क्या है अच्छा आमिर नामकर से हम मुलाकात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और तो देखा था है फिर आगे आपको हम लोग जो किसका घर में खाना खाते हैं कहना नामकर का घर में हम लोग खाना खाए हैं नोबंग सर हम लोग और यहाँ मेरा दोस्त है सुष्मिता तो हम लोग सभी खाना खा के इसी घर से तो अच्छा तो जा रहे हैं सर हम लोग आपका घर में खाने का क्या बहुत बहुत अच्छा लगा है अच्छा से जाइए हाँ थैंक यू जाएगा सर वही पिताजी हाथ मिला रहे हैं बेटे कोलकाता से कब आया ओके एक महीना काम बुरा हो गया ना काम बुरा है हाथ मिला रहे हैं सुमिता को फार्मेसी में ना फिर मिलेंगे ये हमारा बुरी यही है ना दो तीन बार आया है आपका फार्मेसी में ना अच्छा हम बोला था देखा है वो वार्ता वार्ता चलो भाई सुमिता चलो आगे चलो आगे 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 चले आगे चलो आगे ये अभी हम लोग निकलेंगे सुमिता खाना कैसा लगा खाना खाना बहुत ही अच्छा था सब बॉयल था लेकिन भी बहुत डिलीशियस था ओके ये गांव का नाम क्या है गोसांग ब्लेस में आया है हम लोग तो जाते हैं हम लोग किंगचोंग की तरफ में ज़्यादा ही शाम हो गया हम लोग ज़्यादा शाम को यानी आठ बस के 34 मिनट हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गोसांग ब्लेस से किंगचोंग की तरफ में यहाँ से किंगचोंग पहुँच गया किंगचोंग पहुँच के हम अभी जा रहे हैं कि अंदर की तरफ तो आपका साथ में हम कल सुबह को आपको हम ये मेरा वीडियो को चेक करने देगा तो आप लोग अभी जो हम लोग लास्ट एंडिंग बात यहाँ करेगा तो चलिए सुष्मिता अंदर चल तो जा रहा है कि अंदर की तरफ में तो अंदर जा रहा है ये उसका पापा का दुकान है तो हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ अभी घर पहुँच गया ना तो लास्ट एंडिंग हम लोग बात करेंगे तो बात करते हैं ना नमस्कार अपर सियांग ट्रेवलर ब्लॉग आज आपको नोबंग बुरांग का एक हल्की सी मीटिंग दिखाया है तो हम लोग इंक्योंग पहुंच गया तो ये घर है सुष्मिता का घर है तो अभी जितना भी मेरा ये वीडियो चलता है आप लोग ज़्यादा में मेरा चैनल चल रहा है आप लोग जितना भी देखता है व्यूअर्स है सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग का देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इतना रातों रात हम लोग वहाँ इन क्यों से सफर करके मोइंग ये आपका ये गोसांग ब्लेस में हम लोग पिट्टुंग ब्लेस में सफर करके आप सबको दिखाया है तो अभी मेरा ये दोस्त अभी बोलेगा थोड़ा तो हम लोग पूरे दिन आज सारे जगह घूमे हैं तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच बाय तो सभी को जय हिंद